Yeah, but still the show must go on. पॉइंट मॉर्निंग। चलिए आज के लास्ट सेशंस है मेरे, और आज सैम्पलिंग को लेके कुछ चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है सैम्पलिंग का, ये सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में ज्यादा यूज होता है, पर एक्सपेरिमेंटेशन में भी सैम्पलिंग की जाती है, और खास करके एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन हो या फिर प्लांट के एक्सपेरिमेंटेशन हो, वहाँ पे भी सैम्पलिंग तो करना ही होता है। पर इंसिडेंटली आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस मैंने जो देखा है आपका, उसमें ओरिएंटेशन जो है यूनिट नंबर 3 का पूरा, ये सोशल साइंसेस कॉमर्स मैनेजमेंट की तरफ है। तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाते वक्त उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाऊंगा, पर जो साइंस के रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो एक्सपेरिमेंटेशन करते वक्त सैम्पलिंग कर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा बहुत इनपुट मैं दूंगा। दो तो सॉफ्टवेयर्स जो है, जी पावर और ओपन एपीआई। जी पावर मैंने इंस्टॉल करके रखा है, अगर टाइम मिलता है तो मैं उस पर कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा आपको। और बेसिक फोकस मेरा इस पे सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में सैम्पलिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर ही रहेगा। अभी बहुत सारे प्रीपेड कोर्स वर्क लिए मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के, और हर बार इंटरेक्शंस होते हैं। इवन एनवायरमेंटल साइंसेस की एक रिसर्च स्कॉलर मेरे पास आई थी बीच में, प्रीपेड कोर्स वर्क की थी अपनी यहाँ की, और उसने उसने कुछ वाटर बॉडीज का एक्सपेरिमेंटेशन करना था, यानी अलग अलग वाटर बॉडीज जो थी नागपुर में, जिसमें लेक्स थे या फिर जो भी वाटर बॉडीज छोटी मोटी जो होती है, पॉन्ड्स वगैरह, उसमें से कुछ सैंपल्स उसको निकालने थे और उसका स्टडी करना था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो मुझसे डिस्कशन कर रही थी, और एक रिसर्च पेपर का भी काम चल रहा था उस। तो मुझे पता चला कि इसके अप्लीकेशंस है अपने सैम्पलिंग के, जो बहुत सारी डिसिप्लिन में। इंसिडेंटली मुझे एक अभी आर्किटेक्ट की रिसर्च स्कॉलर थी, वो मेरे पास आई थी। यानी सैम्पलिंग देखो, अभी रियल लाइफ में इतना सारा इंट्रैक्शंस होते हैं रिसर्च स्कॉलर्स, और मेरा भी इतना सारा एनलाइटनमेंट होता है ना, ये सोशल साइंसेस में तो करते ही है, जितनी भी डिसिप्लिन है आपके, इकोनॉमिक्स हो गया या फिर सोशल वर्क हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, कितने सारे डिसिप्लिन्स है, कॉमर्स मैनेजमेंट, इन सब में सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। इवन होम साइंस, होम इकोनॉमिक्स हो गया, या ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जहाँ पे ये होता है। इवन मैंने इंग्लिश लिटरेचर की एक रिसर्च स्कॉलर मेरे पास आई थी, और उसको ये स्टडी करना था कि नागपुर के जो ग्रेजुएट्स हैं उनका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग कितना है, यानी क्या ग्रेजुएशन तक पढ़ाई होने के बाद भी ऐसा एक कंप्लेंट आता है कि इनको यार 4 लाइन भी इंग्लिश नहीं जमती है स्टूडेंट्स को। तो उसका टॉपिक ही ये था, क्यों ना यार यही स्टडी करें कि इनका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन कितना होता है ग्रेजुएशन होने के बाद भी। यानी आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स, उनने ऐसे लिए थे सैंपल्स कि जो 8th स्टैंडर्ड से कम इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, और ग्रेजुएशन तक यानी लगभग एक 7 से 8 साल की पढ़ाई होने के बाद भी इनका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग कितना है। वो कम्युनिकेशन बेसिकली उसमें रीडिंग हो, राइटिंग हो या फिर कॉम्प्रेंशन हो, और वो क्या ये चारों पार्ट उन्होंने कवर किए थे उसमें। और देखिए अभी इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोजेक्ट होने के बाद भी सर्वे तो करना ही पड़ रहा है ना, यानी कि इतना ये परवेसिव है और इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड मेथड है, और जहाँ पे ये सैम्पलिंग लगता है, आप सर्वे कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, तो सैम्पलिंग बहुत बार एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यूज हो जाता है। जो मैं आर्किटेक्चर के रिसर्च स्कॉलर की बात बता रहा था, मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो प्रोजेक्ट। उन्होंने क्या किया था, नागपुर सिटी के कुछ सेक्शंस, कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए थे, और एक बस की थी उन्होंने। हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे तो इतना मस्त लगा, और मैं इन्वॉल्व भी था वो प्रोजेक्ट में, क्योंकि एनालिसिस और हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन वगैरह वो मैडम को, यानी मेरा हैंड होल्डिंग, कंप्लीट हैंड होल्डिंग चाहिए था उनको। तो आई वॉज थरोली एंजॉइंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो नेचर कुछ ऐसा था, उन्होंने एक बस की थी, मिनी बस, और 30 लोगों को आइडेंटिफाई किया था, और वो बस लेके घूमती थी। इंसिडेंटली मैं ज्वाइन नहीं हो पाया जब ये कर रही थी वो, पर हमारे डिस्कशन कंटिन्यूसली फोन पे तो चल ही रहे थे। तो ये जो 30 पार्टिसिपेंट्स थे, इनको नागपुर के अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे लेके गए, और वहां पे इनको क्या वाइब्स आ रही है, क्या वाइब्स आ रही है वो देखा गया। वाइब्स में फिर वो सेंसर इवेल्युएशन वगैरह बहुत सारा उन्होंने कुछ किया था, कि एयर का फ्रेशनेस हो या फिर पोल्यूशन हो या फिर स्मेल वहां पे उनके क्या आ रहे हैं,
और बाकी भी बहुत सारी चीजें थी उसमें, 10 से 12 पैरामीटर्स मैडम गेज कर रही थी। अभी टेक्निकल सेंस में मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, पर वहां पे भी फिर सैम्पलिंग उनको करना था और हमारे अच्छे खासे डिस्कशंस हुए थे उसके ऊपर और वर्कआउट किया था। तो यानी कुछ ये ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स है। मैंने कि वो वाटर बॉडीज का भी मुझे बड़ा मस्त लगा था प्रोजेक्ट, कि क्योंकि एक लेक है तो लेक से कहाँ से आप वाटर का सैंपल लेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपको भी मालूम है कि यार किनारे से सैंपल लेंगे तो वो पोल्यूटेड ही सैंपल आएगा। फिर आपको बीच में से भी कुछ लेना होगा सैंपल, उसमें भी डेप्थ कितनी होनी चाहिए सैंपल की, ये सब चीजें। मुझे बड़ा मजा आया था ये सब प्रोजेक्ट में जब मैं इन्वॉल्व था। यानी क्या एनवायरमेंटल साइंस हो या आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट के मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, बड़े मजेदार होते हैं इनके प्रोजेक्ट्स। और होम साइंस में मैंने बहुत सारा काम किया है, फार्मेसी में यानी लाइफ साइंसेस में मैंने बहुत सारा काम किया है, जहाँ पे सैम्पलिंग में डिसीजन, ऑब्वियसली मैं कॉमर्स मैनेजमेंट का हूँ तो उसमें एक्सपोजर तो अच्छा खासा रहा ही है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारा काम किया हुआ है। तो इतने सारे अनुभव, मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये शायद बहुत कम लोगों से सुनने को मिलता है, क्योंकि ये रियल लाइफ है, मैं कोई किताब पढ़ के थोड़ी ना बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ कि कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं रिसर्च में। ठीक है, शुरू करते हैं, ये तो एक्सपीरियंसेस तो होते रहेंगे शेयर। और एक किस्सा जो मुझे अभी याद आ रहा था, मैंने बीच में एक वर्कशॉप लिया था नागपुर का, ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, और मालूम नहीं रहता ना सामने, अभी भी आप मेरे ख्याल से 30-32 लोग जुड़े हुए हैं, मालूम नहीं रहता मुझे कि कौन बैठा है, कौन से लेवल पे है आप लोग, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उस वर्कशॉप में कुछ ऐसा हुआ कि ऑब्वियसली वो डे लॉन्ग वर्कशॉप था, 6 घंटे का सेशन मैंने अकेले ने लिया था, 1.5-1.5 घंटे के 4 सेशंस। तो लंच ब्रेक में एक मैडम मेरे पास आई, सीनियर थी, मेरे माँ की उम्र की होगी, वो मेरे पास आई और बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने पहले मुझे लेक्चर्स को लेके, और उन्होंने कहा कि सर मेरे अंडर एक लड़की काम कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, और वो मुझे खींच के लेके आई आज आपके सेशन के लिए। उन्होंने सर आपको इससे पहले कहीं सुना था, और वो मुझे बोल रही थी कि मैडम प्लीज आप चलिए आज लिंगे सर के सेशन से, और मैं चाहती हूँ कि आप अटेंड करें। तो मैंने 2 सेशंस किए सर आपके, और मुझे रहा नहीं गया और लगा मैं आपसे बात करूँ। मतलब बताइए मैडम मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो मैडम बता रही थी, उसने वो लड़की को आवाज दी तो वो थोड़ा सा एम्बेरस कर रही थी मुझसे बात करने के लिए, पर वो मैडम के सामने फिर चर्चा हुई और मैडम ने बताया उसके बारे में कि सर ये मेरे अंडर में पिछले 4 साल से प्रोजेक्ट कर रही है और इसका थेसिस रेडी हो गया था, और बीच में ऐसा कुछ हुआ कि इसने आपके सेशंस के सैम्पलिंग को लेके, और वो सेशन होने के बाद वो दूसरे दिन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मैडम हम लोगों ने जो किया मुझे लगता है कि ये और बेटर हो सकता है, कल मैंने सेशन सुना और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं साइंटिफिकली हो सकती है। तो मैडम ने उसको कहा कि तू डायरेक्ट बोल क्या बोलना है वो बोल रही थी मैडम सबमिशन पे है प्रोजेक्ट पर मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से इसको करूँ। मैडम भी बोल तू क्या बोल रही है, तेरा डेटा कलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, वो तो बोल रही कि फिर से करते इसको। तो मैडम मैं पूरा तैयारी करने के, फिर से डेटा कलेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्वेश्चनियर भी मैं चेंज करूंगी, और खास करके सैम्पलिंग में मुझे लग रहा है कि हमने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है, और तरीके हैं जिस तरीके से मैंने कल सर को सुना। और वो मैडम मुझे वही बता रही थी, सर ये 1 साल पहले की बात है जब इसने आपको सुना था, और आज फिर से ये मुझे खास करके आपके सेशन के लिए लेके आई है, और अभी सर इसका इसने फिर से डेटा कलेक्शन शुरू कर दिया, रादर डेटा कलेक्शन खत्म होने की कगार पे है, पर वो बार बार कहती है कि मैंने अच्छा हुआ है वो सेशन किया, और मुझे अभी मैं आई एम थरोली एंजॉइंग द प्रोजेक्ट, मुझे जरा भी गिल्ट नहीं है कि मैं जब मुझे फिर से करना पड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कल भी बात कर रहा था कि आप सब यंग है, अभी अभी जो खास करके जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, 1-2 साल सर्विस को हुए हैं और अभी पीएचडी प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग ना एंथुजियास्टिक बहुत है, एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, रिसोर्सेस मेरे ख्याल से सभी कुछ है आज आपके पास, सिर्फ एक मुझे लगता है आप लोगों को कोई प्यार से समझा देना तो यू कैन क्रिएट वंडर्स बॉस। और ये मैंने देखा है, महसूस किया है पिछले कई सालों से। मुझे याद आ रहा है 2012 में मैंने पहला प्री पीएचडी कोर्स वर्क शायद अपनी यूनिवर्सिटी का लिया था, उस वक्त सेंटर्स पे हुआ करते थे प्रोग्राम्स, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी खुद ये कंडक्ट कर रही है, इतने सारे वर्कशॉप, इतने सारे इंटरेक्शंस और इतना सारा लर्निंग हुआ है ना, जो शायद मैंने किताब से नहीं सीखा होगा या इंटरनेट की साइट से नहीं सीखा होगा, जितना
रियल लाइफ प्रोजेक्ट करते हुए ये सब में सीखा हूँ। आप लोगों से जब इंटरेक्शंस होते हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आपके डाउट्स क्या है, कहाँ पे आके आप रुक जाते हो ना, वो जो चैलेंज रहता है ना, उससे मुझे बहुत लर्निंग हुआ है। तो आई वॉज जस्ट शेयरिंग दिस थिंग कि यू पीपल आर सो ब्लेस्ड कि आपको आके अलग अलग अच्छे अच्छे लेवल के रिसोर्स पर्सन ये सब समझा रहे, बता रहे हैं। तो ट्राई टू मेक बेस्ट आउट ऑफ दिस कॉज, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, हम लोग जब पीएचडी कर रहे थे, इवन प्रीति मैडम और हम लोग, बहुत स्ट्रगल किया हम लोगों ने। एक छोटी छोटी चीज, एक एक लाइन जो हम लोग अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एक लाइन सीखने के लिए मुझे शायद एक एक साल लग गया है। और जब मैं भी सेशंस अटेंड करता था ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी के वगैरह, तरस जाते थे यार 1.5 घंटे की सेशन में कोई एक लाइन तो मिल जाए काम की। पर इंसिडेंटली आपके साथ बड़ा बेहतरीन माहौल बन चुका है, अभी रिसर्च का कल्चर डेवलप हो चुका है, रिसोर्सेस है अपने एरिया में ही, और प्लेटफॉर्म्स है, रिसोर्सेस है, इम्पोर्टेंटली सॉफ्टवेयर है। हमारे वक्त SPSS नाम की चीज ही नहीं थी अस्तित्व में, सब मैन्युअली करना होता था। लिटरेचर रिव्यू जब करते थे, हमको ही मालूम क्या तकलीफें हुई है, गूगल स्कॉलर उस वक्त ना ही मालूम था, और ना ही उसको यूज कैसे करते ये मालूम था। उसके बाद हम समरी टेबल्स और वो कार्ड्स बनाते थे, इतना सारा स्ट्रगल, और आज आपके लिए ये चीजें बड़ी आसान है। मुझे लगता है थोड़ा सा डायरेक्शन, ट्रेनिंग, दिशा की जरूरत है आपको, तो मुझे लगता है बेहतरीन रिसर्च हमारी यूनिवर्सिटी से निकल सकते हैं। सो विद दिस पॉजिटिव नोट, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सैम्पलिंग की बात करेंगे, ये यूनिट नंबर 3 है आपका। और आज हम लोग, आपको याद होगा कल हम लोग ये सब डिस्कशंस किए थे, ये भी पार्ट हो गया था, और ये बीच में का पार्ट शायद दूसरे किसी रिसोर्स पर्सन ने कवर किया कर लिया होगा, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। और ये है आपका आज का सेशन, वेरियस सैम्पलिंग टेक्निक्स, नीड फॉर सैम्पलिंग, सैम्पल साइज डिटरमिनेशन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। तो जैसे मैं बता रहा था कि सर्वे पे रिसर्च प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखते हुए मैं चर्चा करूंगा आज के सेशन में। और ये कुछ सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं जब हम सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट करते हैं। जर्नी शुरू होती है हमारी टॉपिक सिलेक्शन से, उसके बाद फिर हम रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद फिर रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन होता है। सर्वे कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं, क्वेश्चनर डिजाइनिंग के बाद रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग, खास करके वैलिडिटी टेस्टिंग जिसमें पायलट टेस्टिंग आता है, उसके बाद फिर सैम्पलिंग से रिलेटेड डिसीजन। इसको ऑलरेडी हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि रिलायबिलिटी टेस्टिंग, वैलिडिटी टेस्टिंग कल ही हमारी चर्चा हुई थी, उसके तुरंत बाद ये डिसीजन आते हैं, और उसी ऑर्डर में मैं आपको इनपुट्स भी दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आता है डेटा कलेक्शन, फिर एनालिसिस और फिर रिपोर्ट राइटिंग। तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ये जो पार्ट है यहाँ से ऊपर का, ये आउट एंड आउट डेस्क वर्क है, जो घर में बैठ के आप कर सकते हो ना, यहाँ तक का पार्ट सैम्पलिंग, ये जो पार्ट है पूरा ये डेस्क वर्क का। अगर आप सर्वे कर रहे हो तो ये डेटा कलेक्शन का पार्ट फील्ड वर्क कहलाता है, और यहाँ फिर से ये जो करोगे आप डेस्क वर्क। थोड़ा समझने की कोशिश करिए चीज आपको, कि सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और मुझे बहुत बार रिसर्च स्कॉलर एक्सक्यूज देते हैं कि उसे टाइम ही नहीं मिलता। देखिए टाइम नहीं मिलता, अभी सब लोग तो बिजी है, सबको अपने अपने असाइनमेंट्स, पर मैं थोड़ा सा सोचेंगे आप तो टाइम निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, इसमें से जो रिसर्च कर रहे हैं सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट वाले, 70% तो आपका डेस्क वर्क ही है ना, घर में बैठ के लिखना है, या ऑफिस में भी थोड़ा टाइम गैप मिलता है वहां पे भी कर सकते हो। फील्ड वर्क यहाँ रफली 30% का होता है, ये फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट करना, बाकी 70% तो घर में बैठ के ही करना है ना। और फिर भी लोग एक्सक्यूज देते हैं कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो एक्सक्यूज इसलिए है क्योंकि मालूम नहीं है क्या करना है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना कि मुझे ये करना है, ये स्टेप्स है, और जैसे लिटरेचर रिव्यू आपको करना है, उसके लिए ऐसा थोड़ी ना है कि पूरे 150 एक ही दिन में करना है। ठीक है आज 15 मिनट है, 15 मिनट में 2 ही पेपर निकाल लीजिए डाउनलोड करके। तो वो सोच होनी चाहिए, और इम्पोर्टेंटली पता होना चाहिए कि क्या करना है और कैसे करना है। जैसे आज 2 ही लिटरेचर है, 2 ही पेपर डाउनलोड कर लिए, देखिए 20 20 25 25 पेजेस के पेपर्स है, आपको उसको समरी तो बनानी ही ना एक पैराग्राफ की। तो आज अगर सवेरे 15 मिनट मिले, 2 पेपर डाउनलोड कर लिए, शाम को सोने से पहले 15 मिनट मिलते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ सवेरे जो 2 पेपर डाउनलोड किए अच्छे लग रहे, तो उसका समरी बना लो। अभी बात आके कहाँ पे रुकती है, वो 25 पेजेस का एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कैसे करना और क्या लिखना है, ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ये काम उसी दिन हो जाता है। रोज दो दो एक एक पेपर भी हो जाता है आपका, 1-1.5 महीने में लिटरेचर रिव्यू का काम खत्म होता है।
पर लोग एक एक साल लिटरेचर रिव्यू करते हैं। प्रॉब्लम वही है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ना कि चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है, और जो टाइम नहीं मिल पा रहा, ये मुझे नहीं लगता एक्सक्यूज हो सकता है। देखिए, अगर मालूम है ना क्या करना है कैसे करना है, आदमी टाइम निकाल लेता है। रादर वो चीज आपको शांत बैठने ही नहीं देती है। आपको नींद में भी जब ये सब चीजें दिखने लग जाए ना, आपका प्रोजेक्ट समझ जाना बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। जब तक आपको ये नींद में नहीं दिखेगा आपका प्रोजेक्ट, समझ जाना गड़बड़ हो रही है यार। ट्रेनिंग की जरूरत है। और ऐसे देखिए, ये 10 दिन का वर्कशॉप है, और जैसे प्रीति मैडम भी बता रही थी, आज के मेरे शायद ये लास्ट इनपुट से इस पर्टिकुलर वर्कशॉप। मुझे मालूम नहीं आपने 10 दिन में क्या सीखा है, कितना सीखा है, पर मैं एक तो चीज डेफिनेटली बता सकता हूँ, 10 दिन में आपने एक चीज तो सीखी होगी या रियलाइजेशन हुआ होगा कि यार रिसर्च कर तो रहा है, पर ये 10 दिन में ये पता चल गया होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो अभी भी हम लोगों को मालूम नहीं है, पर रिसर्च कर रहे हैं। ये रियलाइजेशन तो आ जाता है 10 दिन में। होता क्या है, मुझे ये नहीं मालूम कि कितना आपने डेप्थ में सीखा होगा, कितना आप सही में इसको यूज करोगे, पर 10 दिन में आदमी ना सोचना शुरू कर देता है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। और जिसको लिंक लगना कहते हैं ना, वो लिंक तभी लगे कि जब आप एक्सपोज हो गए ये चीजों को। जब एक ही चीज आप 10 दिन सुन रहे हो, कहीं ना कहीं तो वो रिफ्लेक्ट होगी ना, गेटिंग मी। और ये लिंक लगी है ना, अभी उसको टूटने मत दो। यहाँ से आके निरंतर कोई ना कोई वर्कशॉप, कोई ना कोई रिसर्च फोरम, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड तो कर सकते, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंसेस में पेपर मत प्रेजेंट करो, पर माहौल में तो एंटर करो आप। तो फिर लिंक लगना, डायरेक्शन मिलना, या फिर माइंड लुब्रिकेट होना, ये शुरू हो जाता है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा नेटवर्क में आने की कोशिश करो। जो हमारी जैसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो कम्युनिटी का पार्ट हो जाओ, चीजें बराबर आगे बढ़ती है। डिस्कशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि अभी आप बोलेंगे किसके साथ डिस्कस करें, मैं बोल रहा हूँ आप जिस कॉलेज में है, उस कॉलेज की स्टाफ रूम को थोड़ा सा आंखों के सामने लाके विजुअलाइज करो। आपको रियलाइज होगा कि आपके ही कॉलेज में कोई एक ऐसा बंदा जरूर होगा जो आपसे बेटर जानता है रिसर्च को। उससे पंगा मत लो, उससे फ्रेंडशिप करो। और ओवर द कप ऑफ टी, आप टी ब्रेक लेते होंगे ऑफिस में, या फिर आप लंच ब्रेक में डिस्कशन करिए ना। जरूरी नहीं आपका ये प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहिए, आप रिसर्च पेपर, कॉन्फ्रेंसेस, रिसर्च से रिलेटेड कुछ तो चर्चा करो। तो ये चीजें मुझे लगता है माहौल में एक बार एंटर हो गए तो ये चीजें अपने आप आगे बढ़ेंगी। आप अगर वो माहौल में ही नहीं है ना, 5 साल का पीरियड का 10 साल का भी पीरियड कम पड़ता है। और मेरी जानकारी में 15 साल लगाने वाले भी लोग हैं। कारण ये नहीं है कि वो कामचोर है या करना नहीं चाहते, बात ये है सब कुछ इच्छा बहुत है, पर दिशा, डायरेक्शन जिसको कहते हैं ना, माहौल में ना होना, लिंक ना लगना, ये सबसे बड़ा कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे तो मोटिवेशनल टॉक तो चलते रहेंगे, काम की बात करते हैं जिसके लिए आप असेंबल हुए। पर मुझे लगता है मैंने एटलीस्ट मेरे सेशन में 5-10 मिनट तो भी ये बात कर लेनी चाहिए। वेल, ये आउटलाइन है आज के सेशन की। डिस्कस करेंगे, पहले कुछ सैम्पलिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं। कुछ आपको मालूम होगी, कुछ मैं समझा देता हूँ। दूसरा टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, वो है नीड फॉर सैम्पलिंग पे प्रिंसिपल। दो प्रिंसिपल्स है, क्विकली बता दूंगा ये। उसके बाद सैम्पल डिजाइन, आपको मालूम है कि ये सैम्पल डिजाइन आपको लिखना ही होता है आपका। थोड़ा सा आप नोट भी कर लेंगे, हम लोगों को जो थीसिस लिखना होता है उसमें चैप्टर 1 आपको मालूम है इंट्रो का होता है, इंट्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर LR का होता है। तीसरा चैप्टर, बहुत सारे लोग, जरूरी नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी कहती है कि तीसरा चैप्टर RM का होना चाहिए, पर जो मैंने इंटरनेशनल फॉर्मेट्स देखे हैं उसमें तीसरा चैप्टर जनरली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का होता है। और बहुत सारे लोग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को LR में ही इंक्लूड कर लेते हैं। इट इज टोटली अप टू यू एंड योर कन्वेंशन, गाइड क्या बोल रहे हैं आपके कंसेप्चुअल एंड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। ये तीसरा चैप्टर हो सकता है, ऑप्शनल है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। और उसके बाद आता है RM, ये चैप्टर नंबर 3 या फिर चैप्टर नंबर 4 होता है। और इसमें लगभग एक 7 से 8 हेड्स आते हैं, यानी क्या 3.1 से लेके 3.7 तक या 8 तक कोई एक एडिशनल हेड डाल सकते हैं इसमें। तो अभी ये थीसिस राइटिंग का पूरा मैं 6 दिन का वर्कशॉप लेता हूँ, तो वो अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सैम्पलिंग के बारे में बताना है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे सोशल साइंस या सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपके ये चैप्टर का हेडिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी हो जाता है। अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, तो इसी चैप्टर का हेडिंग आपका मेथड्स एंड मटेरियल हो जाता है। यानी क्या, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं
उस उनका ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक तो मेथड एंड मटेरियल, या फिर जो एपीए का हैंडबुक है उसमें उसको मटेरियल एंड मेथड्स कहा गया है। तो पहले मटेरियल, मटेरियल यानी इनपुट, और मेथड्स यानी आपने क्या मेथोडोलॉजी फॉलो की है वो लिखना होता है। सो पार्ट टू पार्ट जो गाइडलाइंस है IMRID से जो फॉर्मेट आता है उसमें मटेरियल्स एंड मेथड्स लिखा गया है, कुछ लोग मेथड्स एंड मटेरियल बोलते हैं पार्ट टू पार्ट। अभी इसमें हम लोगों को, आप किसी भी स्ट्रीम के क्यों ना हो, आप RM को बिलोंग करते, यानी आपके सर्वे बेस प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और एक्सपेरिमेंटेशन में अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो इसमें 3.3 या फिर कुछ लोग 3.4, ये जो हेड है यहाँ पे सैम्पलिंग के बारे में लिखते हैं। तो मैं आपको इनपुट ये भी दे रहा हूँ कि सैम्पलिंग अगर आपको लिखना ही है, क्योंकि इट इज इंडिस्पेंसेबल पार्ट, इसमें लिखना क्या है, इसमें 6 पॉइंटर्स आते हैं वो जो मैं बता रहा हूँ आपको, जिसको कहते हैं सैम्पल डिजाइन। तो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सिस्टमेटिकली जाएंगे, फिर ये एक इम्पोर्टेंट इशू रहेगा मेरे सेशन का, सैम्पल साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं और फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स। चलिए पहले सेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, कॉमनली यूज टर्म्स इन सैम्पलिंग। तो बेसिक से ही शुरू करते हैं, पहली टर्म जो है टारगेट पॉपुलेशन, जिसको यूनिवर्स भी कहा जाता है, बोथ आर इंटरचेंजेबली यूज टर्मिनोलॉजीज। और आपको भी मालूम है टारगेट पॉपुलेशन का मतलब है इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव चोजन फॉर योर रिसर्च स्टडी, और इसका उल्लेख आप जनरली टाइटल में ही कर देते हो। खास करके सर्वे जब कर रहे हैं आप, तो आप किसका सर्वे कर रहे हो ये टारगेट आपके टाइटल में ही आ जाता है। उस दिन भी तो हम लोग टाइटल डिस्कस कर रहे थे आपके, आपने देखा भी होगा कि एक कीवर्ड आपका टारगेट पॉपुलेशन भी हो जाता है। कोई यूथ का स्टडी कर रहा है, उस दिन हम लोग जो बात कर रहे थे, एक मैडम का टारगेट पॉपुलेशन अर्बन पुअर है ना, तो ये उल्लेख जनरली आपके टाइटल में हो जाता है। और टारगेट पॉपुलेशन का एक आम आदमी के भाषा में मतलब ये है कि आप जिनका सर्वे कर रहे हैं उनका कलेक्टिव टोटल, आप इनको डिफाइन कर रहे हैं कि वो कौन है और वो कितने हैं, जिसको हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। और टारगेट पॉपुलेशन ये स्टडी टू स्टडी डिफर करती है, ऑब्वियसली कोई स्टूडेंट्स का सर्वे कर रहा है, कोई हाउसवाइफ का सर्वे कर रहा है, कोई बैंक के एम्प्लॉयज का सर्वे कर रहा है, तो कोई डेली वेजर्स का सर्वे कर रहे हैं, तो कोई टिम्बर मार्केट में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका कर रहा है, तो कोई सॉफ्टवेयर कंपनीज में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका कर रहा है। तो ये डिफर करता है स्टडी टू स्टडी। तो कोई किसी कम्युनिटी का सर्वे करते हैं कि जैसे आदिवासी लोगों का सर्वे किया जाता है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह, तो ये स्टडी टू स्टडी डिफर करता है कि आप किसका सर्वे कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है सैम्पल। तो आपको भी मालूम है सैंपल ये टर्म कोई नई थोड़ी ना है हमारे लिए, तो डे टू डे लाइफ में भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सैंपल और सैम्पलिंग। और रिसर्च से हमारा जिस दिन कनेक्शन नहीं था उस वक्त से भी हम ये सुनते आ रहे हैं, रादर प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं डे टू डे लाइफ में। तो सैंपल इज बेसिकली अ सबसेट और ए स्मॉल पार्ट ऑफ योर डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन, एंड विच टिपिकली इज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ योर टारगेट पॉपुलेशन। तो जैसे आप देख सकते हो पिक्चोरियली, ये आपका टारगेट पॉपुलेशन है। आपने बोला कि नागपुर में जो हाउस वाइफ है उनका आपको सर्वे करना है, तो टोटल नंबर ऑफ हाउस वाइफ इन नागपुर अप्रोक्सीमेटली, जहां तक मेरा अंदाजा है, मेरे पास ये कॉन्क्रीट फिगर्स नहीं है, पर 7 लाख के आसपास, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन 2011 का जो सेंसस था उस हिसाब से कुछ 24 लाख बनती है नागपुर सिटी की पॉपुलेशन। तो उसका लगभग 1/4 अगर पकड़ते हैं तो रफली मैं बता रहा हूँ, मेरे पास आंकड़े नहीं है ये। तो ये हो गया आपका टारगेट पॉपुलेशन 7 लाख, और इसमें से आप जो सपोज 500 का सर्वे कर रहे हैं, तो ये 24 लाख, सॉरी 7 लाख में से आप जब ये 500 निकाल रहे हो तो ये 24 लाख हो गया आपका टारगेट पॉपुलेशन, और ये 500 हो गया आपका सैंपल। सो व्हाट डज सैंपल मीन? सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द टोटल टारगेट पॉपुलेशन यू हैव डिफाइंड फॉर योर रिसर्च स्टडी। सो नथिंग न्यू अबाउट इट, इट इज अ सबसेट और इट इज अ सेगमेंट और इट इज ए पार्ट ऑफ द लार्जर टारगेट पॉपुलेशन। जहाँ तक सैम्पलिंग डे टू डे लाइफ का सवाल है, यहाँ पे जो महिलाएं जुड़ी हो कि आप लोग जब किचन में आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ रेसिपी बनाते हो, तो वो सर्व करने से पहले हम लोग चक्के देखते हैं ना, वी जनरली टेक आउट अ टी स्पून ऑफ इट और वो चक्के देखते हैं, यानी में तो जो चमचे में है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ सैंपल, और जो पैन में है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ टारगेट पॉपुलेशन। तो एक लॉजिक ये भी बनता है कि सब्जी अच्छी बनी है या नहीं बनी है ये जानने के लिए पूरी सब्जी खाने की जरूरत नहीं होती है, एक चम्मच से पता चल जाता है कि सब्जी अच्छी है कि बुरी है, या फिर कुछ नमक मिर्च मसाले और ये सब कम पड़े हैं क्या, अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। वही लॉजिक यहाँ पे लागू हो जाता है कि नागपुर में जो हाउस वाइफ है टोटल 7 लाख, उनका पूरा सर्वे करने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में जो भी वेरिएबल्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आप
स्टडी करना चाहते हो, एक छोटा सा लॉट ले लो, उसको एग्जामिन करके पूरे लॉट के बारे में आप इन्फरेंसेस निकाल सकते हो। यही शायद सैम्पलिंग करने के पीछे लॉजिक है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमको ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोलता है हमारा फिजिशियन। हम पैथोलॉजी लैब में जब जाते हैं तो हमारे ब्लड का एक सैंपल ही तो लेते हैं, वो शायद 10 ml के आसपास होता है वो, और जो भी शरीर में 2 या 3 लीटर होता है कुछ ब्लड, तो वो पूरा निकालने की थोड़ी ना जरूरत होती है, एक छोटा सा सेक्शन निकाल के ही तो इन्वेस्टिगेशन होते हैं। और यही लॉजिक है रिसर्च स्टडी में भी, कि एक डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन में से एक छोटा पार्ट, एक सेक्शन जो लार्जर लॉट को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनका ही डेटा कलेक्ट करते हैं और इन्फरेंसेस निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है, वो है सैम्पलिंग। देखिए, सैंपल और सैम्पलिंग दोनों अलग टर्मिनोलॉजी है। सैंपल, जैसे मैंने आपको बताया, ये ग्रुप है, एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है। सैम्पलिंग जो है ये आईएनजी लग चुका है तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करता है ये, और आपको मालूम है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स ऑनगोइंग एक्शन इन प्रेजेंट। ऑब्वियसली सैम्पलिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसीजर, और इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम द डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन। एज यू कैन सी, यहाँ पे मेरा डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन है एंड आउट ऑफ दिस ये 12 लोग हैं, यानी मेरा पॉपुलेशन का साइज 12 का है। आउट ऑफ दिस 4 आई हैव आइडेंटिफाइड दिस 4 एज माई सैम्पल्स एंड आई हैव पिक देम अप, इनको मैंने बाजू में निकाला, आई हैव पिक देम अप फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज। दिस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग सैम्पल्स फ्रॉम द अवेलेबल डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज सैम्पलिंग। इट इज सो सिंपल, राइट? तो सैम्पलिंग एक प्रोसीजर है, और आपने ये टारगेट पॉपुलेशन में से इन लोगों को आइडेंटिफाई किया, इनका सिलेक्शन किया है, तो सिलेक्शन करने के लिए हम कोई ना कोई तो क्राइटेरिया यूज करेंगे ना, कोई ना कोई टेक्निक्स या मेथड्स फॉलो करेंगे, और वो साइंटिफिक मेथड्स फॉलो करके डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन में से सैंपल को आइडेंटिफाई करना और उनको उनका सिलेक्शन करने की जो प्रोसेस है उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है सेंसस, और हमने ये टर्म बचपन में सुनी है, शायद स्कूल एज में ही सुनी है। सेंसस का मतलब है कंप्लीट एनुमरेशन, और इंडियन गवर्नमेंट हर 10 साल में सेंसस सर्वे करती है। इसका मतलब हमको मालूम है, वो तो स्कूल एज में पता चल गया था। इंडियन गवर्नमेंट सेंसस कर रही है, इसका मतलब है कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सबका डेटा कलेक्ट किया जाता है, और वो डेटा के जो पैरामीटर्स है वो जियोग्राफिक ग्राफ डेटा होता है, डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक डेटा भी होता है उसमें, तो ये डेटा कलेक्ट किया जाता है, पर ये कंप्लीट एनुमरेशन है। इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सबका वो सर्वे में समावेश। तो वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है, आपने जो भी टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन की हुई है और आप उनको उन सबका स्टडी कर रहे हैं, उन सबको स्टडी में इंक्लूड कर रहे हैं, उन सबसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम सेंसस कर रहे हैं। पर ये कब फिजिबल है? जब आपका टारगेट पॉपुलेशन की संख्या कम है। कम है यानी क्या? ऐसा कहीं लिख के नहीं रखा है कि इतना होगा तो ही सेंसस करेंगे, पर एक डिस्क्रिप्शन आपको फॉर्म करना होता है कि क्या ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन योर डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन इज एक्सेसिबल टू यू, एंड और वो फिजिबल भी है क्या। जैसे मैं अभी लास्ट टाइम जो वर्कशॉप ले रहा था, मेरे ख्याल से अप्रैल में लास्ट वर्कशॉप हुआ था पीपीएचडी का, उसमें एक बंदे ने मुझे फोन किया था और बता रहा था वो कि सर मैं लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हूँ, और उसने बताया कि विदर्भ में जो कॉलेजेस हैं उनके लाइब्रेरियंस का वो सर्वे कर रहा था, और उसने चर्चा ये की कि सर लगभग 755 755 लाइब्रेरियंस आ रहे टोटल टारगेट पॉपुलेशन का साइज, और मेरे गाइड बोल रहे हैं कि आपको सेंसस ही करना है। तो हुआ क्या सर, अभी गाइड बोल रहे तो मैंने तो वो शुरू कर दिया, मैंने 755 आइडेंटिफाई कर लिए और एक एक करके मैं सर्वे कर रहा, और हुआ कुछ यूँ कि मैं 560 पे आके रुक गया हूँ सर। उसके बाद वो नहीं मिल रहा है, या फिर वो कॉपरेट नहीं कर रहे, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कि मैं बाकी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो सर क्या मैं सैम्पलिंग सर्वे कर रहा हूँ या फिर सेंसस सर्वे कर रहा हूँ? तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा यार कि क्या रियल लाइफ के प्रॉब्लम सही में। अभी देखिए, आपका सेंसस है 755 का, यानी टारगेट पॉपुलेशन, तो आप उनको कंप्लीट एनिमरेशन ही कर रहे हैं, पर हुआ यू कि उसके पास जो भी लिस्ट आई थी वो अपडेटेड नहीं थी, और वो उसमें से कुछ लोग तो मर भी गए थे जो है ही नहीं दुनिया में। तो उसने बोला कि मैंने पूरे बेस्ट एफर्ट्स ले लिए हैं और मैं 560 पे आके रुक चुका हूँ, यहाँ से आगे मिलना ही पॉसिबल नहीं सर। तो मैं लिखते वक्त क्या लिखूँ कि क्या मैंने सेंसस किया है कि सैंपल किया है? बोला बेटा आपने सेंसस ही किया है।
भले ही वो आपके लिस्ट में 755 लिखे होंगे, पर वो लोग जिंदा नहीं है, या फिर नौकरी छोड़ के चले गए, या कॉलेज ही बंद हो चुका है, और वो लोग अस्तित्व में नहीं है, और आपने पूरा ही कर लिया है। और एक हमारे रिसर्च थीसिस में एक सेक्शन होता है आखिरी के चैप्टर में, कंक्लूजन के, जिसमें लिमिटेशंस हम लोग लिखते हैं। तो आप वहां पे मेंशन कर दीजिए कि आपको जो डेटा मिला था, सेकेंडरी डेटा जो अपडेटेड नहीं था, पर उसके हिसाब से ये था, पर मैंने जब डेटा कलेक्शन किया तो मुझे इतने ही एक्सेसिबल हुए, और मैंने जितने मिले मुझे वो पूरे के पूरे मैंने कंप्लीट डेटा कलेक्ट कर लिया है। तो ये लिमिटेशन में डालने के बाद आप सेफ हो जाते हैं कि आपने सेंसस ही किया है। सो सेंसस इज अबाउट कंप्लीट, यानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंसस कब करना है, ये टोटली प्रोजेक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे फिजिकल एजुकेशन के मेरे पास बहुत सारे फोन्स और ये सब, बीच में एक रिसर्च फॉरम में कॉलेज में आके ही मिली थी वो, और उसका सर्वे ये था कि जो एथलीट्स होते हैं, उसने दो या तीन स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए थे, जिसमें बैडमिंटन और कोई तो दो स्पोर्ट्स थे, और उसका उसका टारगेट पॉपुलेशन में उसने ये डिफाइन किया था कि वो एटलीस्ट यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर दिया होना चाहिए उसने, और स्टेट लेवल पे जिसने खेला हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसे ही लोगों का कुछ वो क्या फिजिकल स्ट्रेंथ और ये सब वो चेक कर रही थी। तो वो उसका क्वेश्चन वही था कि सर अभी कैसा करेंगे इसको सैम्पलिंग को लेके। तो मैंने बताया कि देखिए आप एक तो ये जानकारी निकालिए कि कितने लोग हैं, और एक टाइम फ्रेम भी लेना होगा ना आपको, पिछले 5 साल, पिछले 10 साल कितने ले रहे हैं आप। वो टाइम फ्रेम डिफाइन करके आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कितने लोग हैं। तो वो नंबर बहुत कम आ रहा था, लगभग 40-50 का, तो वहां पे फिर सैम्पलिंग का तो सवाल ही नहीं ना, जितना, क्योंकि वो लेवल पे पहुंचने वाले कम लोग होते हैं। तो मैंने बोला कि आप सेंसस करिए सीधा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट पॉपुलेशन कितना बड़ा है, और आपको एक कॉल लेना होता है कि सेंसस करना है या फिर आपको सैम्पलिंग करनी है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में सैम्पलिंग ही करते हैं, सेंसस कुछ रेयर केसेस, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने रियल लाइफ में ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आई कैन टेल यू कि कुछ जगह ये फिजिबल होता है, पर मैक्सिमम जगह हम लोगों को सैम्पल सर्वे करना होता है। देखिए दो सिंबल्स है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स में, एक है आपका पॉपुलेशन साइज जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और दूसरा है सैंपल साइज जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं हम लोग। पॉपुलेशन का साइज, जैसे अभी हम हाउसवाइफ की बात कर रहे थे, उसमें टोटल संख्या अप्रोक्सीमेटली जो मुझे अंदाजे से मालूम है 7 लाख, ये आपकी पॉपुलेशन का साइज है, तो इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। और आपका सैंपल साइज, आपने 500 का सर्वे करना है, तो ये आता है, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम लोग स्मॉल एन। अभी देखिए ये 7 लाख में से आपने 500 का सर्वे किया, ओके, यहाँ पे आपने इफ सपोज वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन, वन ऑफ द वेरिएबल V1 मैं बोल रहा हूँ, कि हमको इनके मोबाइल यूसेज हैबिट्स देखनी है, और एक क्वेश्चन हमने ये पूछा है कि आपका मंथली मोबाइल बिल कितना आता है। ओके, ये हमारा मंथली बिल का एवरेज निकालना है, वन ऑफ द वेरिएबल्स। तो इसको लेके हमने डेटा प्रोसेस कर लिया, 7 लाख में से 500 निकाले, और हमारे पास डेटा आया 1, 2, 3, 4 अप टू 500। अभी इसका आप मीन निकालेंगे, और ये मीन आ रहा है सपोज 219 रुपये, हाइपोथेटिकली। हाँ, अभी ये जो आया है एक्स बार, ये सैंपल का मीन है। तो सैंपल के जो स्टैटिस्टिक्स हम कंप्यूट करते हैं, सैंपल के जो पैरामीटर्स आप कहेंगे, डेटा एनालिसिस करने के बाद, मीन मोड, मेडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वैरियंस, स्क्यूनेस, कर्टसीस वगैरह वगैरह, ये सब जो आप मेजर्स कंप्यूट करेंगे, इनको कहा जाता है सैंपल स्टैटिस्टिक्स। पर अगर मैं पूरा सेंसस सर्वे करता हूँ 7 लाख का, तो ऑब्वियसली इसका भी तो एक मीन आएगा ना, मीन मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स, यानी क्या, पॉपुलेशन का भी अपना मीन होगा जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, वैसे सैंपल का है ना, सैंपल का मीन को एक्स बार, और सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं हम लोग। यानी क्या, सिंबल्स के दो सेट बनते हैं, एक होते हैं सैंपल के लिए, और दूसरे होते हैं पॉपुलेशन जब सेंसस करते हैं तब। तो ऑब्वियसली आपने शायद एक कंसेप्ट सुना होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो बास्केट्स होती हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, उसमें एक जो आपको सुन के मालूम होगा, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरे होते हैं आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। Okay, अभी ये पैरामीट्रिक, ये जो वर्ड है ना, ये पैरामीटर से बना है,
स्टैटिस्टिक्स में पैरामीटर यानी क्या? स्टैटिस्टिक्स में तीन ही पैरामीटर माने जाते हैं, एक होता है मीन, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन और तीसरा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आपकी भाषा में उसको परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज को जब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी क्या, आप 40% बोलते हो डेली यूसेज में, इसको स्टैटिस्टिक्स में हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में तीन ही पैरामीटर्स माने जाते हैं, और आपका एसडी मालूम है आपको कि ये मीन बेस एक एसडी होता है और दूसरा प्रोपोर्शन बेस्ड होता है। यानी क्या, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की दो बास्केट्स फिर से बन जाती है, एक है मीन बेस हाइपोथेसिस, दूसरा है प्रोपोर्शन बेस हाइपोथेसिस। यानी क्या, आपने जेड टेस्ट के बारे में सुना होगा, टी टेस्ट के बारे में सुना होगा, तो ये तो फिर से दो टेस्ट है ना, एक मीन बेस टी टेस्ट होती है, एक प्रोपोर्शन बेस टी टेस्ट होती है। वैसे जेड यानी आपका जेड टेस्ट मीन बेस अलग है और प्रोपोर्शन बेस अलग है, ये भी एक बास्केट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की स्टैटिस्टिक्स में। अभी ये पैरामीटर्स जो है, ये अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज कर रहे हो तो उसको पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। आपको सुन के मालूम होगा जेड टेस्ट, टी टेस्ट, आपका एनोवा आपने सुना होगा, और इसके भी बहुत सारे फ्लेवर्स है। फिर अभी ये जो टेस्ट है इनको पैरामेट्रिक कहते हैं। क्यों पैरामेट्रिक कहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जेड मीन बेस्ड टेस्ट है, प्रोपोर्शन बेस्ड टेस्ट है। टी के तो बहुत सारे फ्लेवर्स है, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, पेयर टी टेस्ट आपने सुना होगा, टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू ग्रुप, मीन्स एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस की अलग टेस्ट है, एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंसेस की अलग से टेस्ट है, और टी टेस्ट की प्रोपोर्शन बेस अलग टेस्ट है बाइवेरिएट की। तो यानी क्या, जेड टेस्ट टी टेस्ट कोई एक टेस्ट थोड़ी ना है, इसके अलग अलग फ्लेवर्स है। पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जेड टेस्ट में दो जो फ्लेवर्स है, एक मीन बेस्ड है, दूसरे प्रोपोर्शन बेस्ड है। वैसे टी टेस्ट में भी दो फ्लेवर्स है, एक मीन बेस्ड है, दूसरे प्रोपोर्शन बेस्ड है। यूनिवेरिएट बाइवेरिएट वो अलग से बास्केट है। एनोवा में भी हम क्या यूज करते हैं, एनोवा का लॉन्ग फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वरायंस। वरायंस क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। यानी क्या, आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टैंडर्ड डिवीजन यूज कर रहे हो। यानी में और हम एनोवा में कंपेयर क्या करते हैं, हम एक्स बार वन, एक्स बार टू और एक्स बार थ्री को ही तो कंपेयर करते हैं। यानी क्या, दो से ज्यादा ग्रुप का मीन कंपेयर कर रहे हैं। यानी क्या, आप जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते वक्त मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोपोर्शन या जिसको हम परसेंटेज कहते हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं तो उसको पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते वक्त ये तीन चीजें यूज नहीं कर रहे हो तो उसको नॉन पैरामेट्रिक कहेंगे। यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक में जनरली आपने जो सुन के मालूम होगी आपको, काई स्क्वायर, काई स्क्वायर टेस्ट में मीन थोड़ी ना यूज होता है, ये तो कैटेगोरिकल काउंटेड डेटा होता है। इसमें आपने मैन विटनी यू टेस्ट सुनी होगी, स्पीयरमन का रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट सुना होगा जो नॉन पैरामेट्रिक मेजर है, उसके साथ साथ आपने विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट सुनी होगी ना, एनोवा का जो सब्स्टिट्यूट है क्रूस्कल वैलिस, ये आपको सुन के मालूम होगा। ये जो टेस्ट है ये नॉन पैरामेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे आप मीन यूज नहीं करते हो, यहाँ पे डेटा का नेचर जो है कैटेगोरिकल डेटा होता है, नॉमिनल जिसको कहते हैं और ऑर्डिनल। और इम्पोर्टेंट फीचर और एक है, पैरामेट्रिक कब करते हैं जब आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, नॉन पैरामेट्रिक कब करते हैं जब आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, एक तो ऐसा है या फिर ऐसा है। ओके, तो ये कुछ मल्टीपल क्राइटेरियाज है तो जो मैं आपको समझा रहा था सैम्पलिंग के सेंस में, ये चीज़ आपके सिम्बॉल को लेके फिर मैं उस तरफ निकल गया, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक। तो ये पैरामीटर सैंपल के स्टैटिस्टिक्स होते हैं और पॉपुलेशन के पैरामीटर। नेक्स्ट टर्म जो है आपके सैम्पलिंग के कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हम कहते हैं स्मॉल सैंपल साइज, लार्ज सैंपल साइज। स्मॉल का मतलब है अगर आपका सैंपल साइज 30 से नीचे है तो उसको स्मॉल कहते हैं, अगर आपका सैंपल साइज 30 या 30 के ऊपर है तो उसको लार्ज कहते हैं। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्यों जरूरी है, स्मॉल के लिए जनरली टी टेस्ट डेडिकेटेड टेस्ट मानी जाती है। इसका मतलब जरा भी नहीं है कि आपका सैंपल 1000 का है, 500 का है तो आप टी टेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का रोल इसमें आता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपके पास है तो जेड करते हैं, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो फिर टी करते हैं। पर पार्ट अपार्ट लार्ज सैंपल में पैरामेट्रिक टेस्ट की जाती है जनरली, जिसको हम जेड टेस्ट कहते हैं। पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सेशन नहीं है इसलिए मैं वो क्विकली रैप अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, वो है सैम्पलिंग फ्रेम का। सैम्पलिंग फ्रेम का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके टारगेट पॉपुलेशन में, जो डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, ये जो भी साइज होगा, इसके आपके पास डिटेल्स है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। टारगेट पॉपुलेशन दो प्रकार की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट टारगेट पॉपुलेशन यानी क्या, आपके टारगेट पॉपुलेशन में कौन है, कितने हैं,
और वो कहाँ है, ये तीन डिटेल्स आपके पास है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने जो भी टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन किया है उसमें कौन लोग हैं, वो कितने हैं और वो कहाँ मिलेंगे, है ना, उनके एड्रेसेस या कॉन्टैक्ट नंबर, ये अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली आप एक लिस्ट बना सकते हो। ये लिस्ट को ही सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। यानी क्या, सैम्पलिंग फ्रेम का कंसेप्ट कहाँ काम में आएगा, जब आपका टारगेट पॉपुलेशन फाइनाइट है। दूसरा, इनफाइनाइट है ना, क्या ये तीनों डिटेल्स अगर मिसिंग है, तीनों में से कोई भी दो डिटेल्स मिसिंग है, तो हम कहेंगे हमारा टारगेट पॉपुलेशन इनफाइनाइट है। आपको ये तो मालूम है कि ये कौन है, आपने बोला ये सपोज अर्बन पुअर, पर आपको ये कितने लोग हैं अर्बन पुअर ये नहीं मालूम, तो ऑब्वियसली आपका टारगेट पॉपुलेशन इनफाइनाइट, आपको संख्या ही नहीं मालूम ना, कैपिटल एन जो है इसके बारे में शंका है, मालूम ही नहीं, और कहीं ये रिकॉर्ड में लिखा हुआ भी नहीं है कि ये कितने लोग हैं, और ऑब्वियसली कितने हैं तो ये भी पता चलने की संभावना नहीं है कि वो कहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये डिटेल्स ही नहीं है। इस वक्त हाँ, हम कहेंगे कि हमारे टारगेट, सारा मंगेश सर थोड़ा म्यूट करेंगे, जो मंगेश सर सारा तो 28 ओके। तो आपकी टारगेट पॉपुलेशन अगर फाइनाइट है तो हम कहेंगे कि हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम बन सकती है। अभी सैम्पलिंग फ्रेम जो है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन योर डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन। अभी ये लिस्ट के फिर से दो ऑप्शंस हैं, ये कभी कभी अवेलेबल होती है अच्छा और कभी कभी ये अवेलेबल नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग जाएगा मंगेश सर प्लीज थोड़ा म्यूट कर करके दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। मंगेश जायसवाल सर प्लीज थोड़ा म्यूट कर दीजिए सर। तो ये लिस्ट कभी कभी पब्लिश्ड फॉर्म में अवेलेबल होती है, बुकलेट के फॉर्म में, गैजेट के फॉर्म में। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं, सपोज नागपुर में कोई लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं और हम लोगों को कौन सी पार्टी चुन के आएगी उसका एक ओपिनियन पॉल लेना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वोटर्स लिस्ट हमारी म्यूनसिपैलिटी मेंटेन करती है, तो वोटर लिस्ट ही हमारी सैम्पलिंग फ्रेम बन जाएगी। हम लोगों को सपोज नागपुर यूनिवर्सिटी से इस मोमेंट पे जो लोग पीएटी कर रहे हैं उनका सर्वे करना है, तो ऑब्वियसली नागपुर यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट मेंटेन की है डिसिप्लिन वाइज, आरआरसी की मीटिंग वाइज, जो भी पिछली आरआरसी हुई थी उसका पीडीएफ फाइल ऑलरेडी अवेलेबल रहेगी ना हमारी वेबसाइट पे, वही हमारी सैम्पलिंग फ्रेम होगी। अगर आप पिछले 5 साल में जो रिसर्च स्कॉलर्स ने नागपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है या कर रहे हैं, ऐसे लोगों का करना है तो पिछले 5 साल में जो भी आरआरसी हुई उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हर एक डिसिप्लिन में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो ये यादी को आप कंपोजिट फॉर्म में ले लेंगे और वही हमारी सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगी, और कभी कभी ये अवेलेबल नहीं होती है तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो। इससे भी बड़ा एक सवाल ये होता है कि क्या हर एक सर्वे में सैम्पलिंग फ्रेम की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप सैम्पलिंग फ्रेम होगा आपके पास वही से रिसर्च कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है सैम्पलिंग फ्रेम आप तब कब यूज करोगे, आपके पास सैम्पलिंग की मेथड्स है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ब्रेक के बाद। सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग की मेथड्स होती है जिसको हम प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी कहते हैं या रैंडम नॉन रैंडम कहते हैं इसको। जब आप ये मेथड से काम कर रहे हो तो सैम्पलिंग फ्रेम लगती है, जब आप ये मेथड से डेटा कलेक्ट कर रहे हो या आपके सैंपल्स आइडेंटिफाई कर रहे हो तो सैम्पलिंग फ्रेम की जरूरत नहीं होती। फिर से डिटरमाइन होता है कि आप ये करोगे तो ही इसकी जरूरत है, ये फिक्स है क्या कि ये करना है कि ये करना है, अगर ये करना है तो मैं बोलूंगा फिर सैम्पलिंग फ्रेम के पीछे लगो, अगर आप बोल रहे कि नहीं ये नहीं करना है ये मेथड फॉलो करेंगे तो फिर मैं बोलूंगा सैम्पलिंग फ्रेम के फंदे में मत पड़ो। अभी फिर से बात ये होती है कि आपका पॉपुलेशन अगर फाइनाइट है, आपको टारगेट पॉपुलेशन के बारे में पूरी जानकारी है तो ऑब्वियसली सैम्पलिंग फ्रेम बनेगी, और सैम्पलिंग फ्रेम है तो फिर बैक ट्रैक करके ये करेंगे ना। अगर आपका टारगेट पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, पॉपुलेशन की संख्या मालूम नहीं, वो लोग कहाँ पे है, कितने हैं, कौन से हैं, कहाँ मिलेंगे ये नहीं मालूम, तो सैम्पलिंग फ्रेम मत यूज करिए।
अगर ये यूज नहीं कर रहे तो फिर सीधा ये मेथड यूज करिए, इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, इट इज सो सिंपल। मैं फिर से एक ही बात दोहरा रहा हूँ, जब आइडियाज क्लियर हो जाती है ना तो दिशा मिल जाती है और उससे काम आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग में, फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग में तकलीफ है। अभी एक जो गलती मैं देखता हूँ, इतने सारे वायवा लिए हैं पीएचडी के और बाकी भी रिसर्च स्कॉलर्स के, एक ग्लेयरिंगली जो मुझे समझ में आया है कि सैम्पलिंग के बारे में लिखते वक्त कोई एक मेथड लिखते हैं कि मैंने इफ सपोज पर्पजिव सैम्पलिंग किया, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपने 500 लोगों का सर्वे किया, जनरली ना ये 500 लोगों का सर्वे करने के लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस लगती हैं, तीन चार पांच मेथड्स भी मैं खुद भी यूज करता हूँ ना। हम लोग जब अभी हाल ही में हमने 684 का सर्वे किया है तो किसी एक सैम्पलिंग से करना वर्चुअली इम्पॉसिबल होता है रियल लाइफ। पर वही बात है कि वो अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से वो डॉक्यूमेंट में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि बाकी सबने क्या लिखा, चलो यार अपन भी लिख देते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट ये है कि हमने क्या किया है, हम सैंपल्स तक पहुंचे कैसे, वो लिखना अपेक्षित होता है। और यही कुछ कारण है कि जिसकी वजह से स्कोपस वगैरह जैसे स्टैंडर्ड जर्नल्स में हमारे पेपर पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि टेक्निकलिटी थोड़ी सी मिसिंग लगती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है सैम्पलिंग फ्रेम के, लिस्ट ऑफ वोटर का एग्जाम्पल मैं दे रहा था, टेलीफोन डायरेक्टरी जिसमें हम लोगों को कॉमन कंज्यूमर सर्वेज है, या टेलीफोन सब्सक्राइबर्स ही बोल लीजिए ना, बीएसएनएल से रिलेटेड कोई सर्वे, तो ये हमारी सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगी। आप स्टूडेंट्स का सर्वे करना चाहते हो तो एनरोलमेंट लिस्ट जो यूनिवर्सिटी के पास होती है, जैसे मैं पीएचडी स्कॉलर का भी बता रहा था, आपको किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का ही सर्वे करना है तो उनकी अटेंडेंस लिस्ट, आपको एम्प्लॉयज का सर्वे करना है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज का पेरोल मेंटेन करते हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज योर सैम्पलिंग फ्रेम। उसके बाद एक कंसेप्ट है सैम्पलिंग के सेल्स में जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। ये समझा देता हूँ, सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी होता है, उसके सिवा रिजल्ट्स नहीं आते। सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव करना यानी क्या, आपके टारगेट पॉपुलेशन में जो भी पॉसिबल हेटरोजिनिटी है वो हेटरोजिनिटी का समावेश आपके सैंपल में होना चाहिए। हेटरोजिनिटी का मतलब क्या है, विविधता। विविधता यानी क्या, आपने बोला है सपोज कि आप यूथ का सर्वे कर रहे हैं तो यूथ की डेफिनेशन में तो ऑब्वियसली आपके, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, यूथ की डेफिनेशन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कंट्री टू कंट्री डिफर करती है, पर 15 से 24 साल के जो लोग हैं उनको यूथ कहा जाता है इंडिया में, तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स कैटेगरी ही लग रही है मोस्टली। ओके, तो आप यूथ का सर्वे कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके सैंपल में 15 साल वाले कुछ आने चाहिए, 16 साल वाले भी आने चाहिए, 17 वाले भी आने चाहिए, 18 साल, यानी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। आप ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक कॉलेज में गए और एक क्लास में घुस गए तो उसमें पूरे के पूरे स्टूडेंट आपको एक ही एज के मिलेंगे, 15 साल वाले, आप उनका ही समावेश कर रहे हो तो आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ ना। डाइवर्सिटी जो है, अभी डाइवर्सिटी ये एज वाइज हो गई, दूसरी डाइवर्सिटी यूथ में क्या हो सकती, तो जेंडर भी तो है ना भाई, मेल के भी सैंपल्स आने चाहिए, फीमेल के भी सैंपल्स आने चाहिए, यानी जो भी पॉसिबल डाइवर्सिटी है आपके जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक दोनों बोल रहा हूँ मैं, वो अगर आप समावेश कर लेते हो तो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, डेली लाइफ का सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है क्या, आपको इफ सपोज गेहूं का एक सैक, ग्रेट कर एक सैक 50 kg का परचेस करना है, तो ऑब्वियसली आप जहां से हमेशा ग्रोसरी लेते हो, ग्रोसरी शॉप में आप काउंटर पे गए, अगर ट्रेडिशनल आउटलेट पे आप गए हो, आप काउंटर पे गए, वहां पे सेठ जी बैठे हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि 50 kg व्हीट लेना है और वैरायटी आपको देखनी है कि क्या क्या अवेलेबल है, तो ये जो साहब काउंटर पे बैठे हैं इनके काउंटर पे ऐसी कुछ डब्बियां रखी होती हैं, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे सैंपल्स रखे हैं, इसके ऊपर उसका नाम और प्राइस लिखी होती है, तो आपके सामने ये चार डब्बियां रखी जाती हैं और आप इसको एग्जामिन करते हो और इसमें से आपको जो बेटर लग रहा है एक सिलेक्ट करते हो, सपोज आपने ये सिलेक्ट कर लिया, सेठ जी को बोल रहे कि साहब ये दे दीजिए 50 किलो। अभी इसने अपने असिस्टेंट को बताया कि साहब को ये वाला टाइप चाहिए गेहूं का 50 किलो, इनको लाके दे दो। वो बंदा कहीं स्टोर रूम में जाता है, वहां से एक सैक आपके सामने लाके रख देता है 50 किलो का, आप पेमेंट करते हो और घर जाते हो, और घर जाने के बाद आप इसको ओपन करते हो, तो कभी कभी शंका ये आती है कि यार यहाँ पे जो देखा था वो और यहाँ पे जो देखा था वो, इसमें फर्क लग रहा है, अब ये डिफरेंस क्यों आया है,
ये तफावत क्यों आती है? क्योंकि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये जो डब्बी में रखा है ये सैंपल है और ये है हमारा टारगेट पॉपुलेशन। आपको ये लेना है ना, तो आपने इसमें से ही सैंपल लेना था 50 ग्राम का, तो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा। यानी क्या सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना, यानी क्या जो टारगेट पॉपुलेशन का स्टडी करना है उसी टारगेट पॉपुलेशन में से आपको सैंपल निकालना चाहिए, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरी बात, अभी आपको ये समझ में तो आ गया कि लिंगे सर ने बताया है कि जो गेहूं का बैग सैक अपने को परचेस करना है उसमें से ही हमको सैंपल्स देखना चाहिए, तब जाके ये डिफरेंस नहीं आएगा। अभी अगले महीने में फिर से आप ये सेठ जी के पास गए और आपने ये चेक किया और आपने ऑर्डर दिया, असिस्टेंट ने ये लाके रखा, आपको लिंगे सर याद आए, आप बोल रहे असिस्टेंट को कि भाई ये खोल के दिखा मेरे को देखना है, ये ऊपर से खोला गया, आपने यहाँ से एक हैंडफुल लॉट निकाला 50 ग्राम का, एग्जामिन किया, आप सेटिस्फाई हो गए कि यार सही है ये और ये मैच कर रहा है, आप घर लेके गए, इसको ओपन किया, यूज करना शुरू कर दिया। अभी ये ऊपर का लॉट आपका यूज हो गया है, जैसे जैसे यहाँ जाते गए यहाँ पे कंकर की मात्रा बढ़ रही है, फिर से हो क्या रहा है डिससैटिस्फैक्शन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जो सैंपल एग्जामिन किया था वो सिर्फ एक सेक्शन यहाँ का गेटिंग में, और बाकी पूरा टारगेट पॉपुलेशन आपने छोड़ दिया, जिसकी वजह से फिर से डिफरेंस आ रहा है। ऊपर में तो अच्छा है, नीचे आप स्ट्रॉबेरी वगैरह जब परचेस करते हो ना, ये अनुभव आपको हमेशा आता होगा, ऊपर की 2 स्ट्रॉबेरी बिल्कुल बेस्ट, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वो खराब लॉट मिलना शुरू हो जाता है। रेलवेज में आपने कभी संतरे परचेस किए होंगे तो 1 डजन में 2 अच्छे रहते हैं, बाकी पूरा, क्योंकि हम वो वही सैम्पलिंग के इश्यूज है पार्ट अपार्ट। अभी यहाँ पे वो क्या रहा है, सैंपल रिप्रेजेंटेटिव करना है, क्या ये जो गेहूं का सैक है आपने यहाँ से जो सैंपल निकाला है, आपको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से अलग अलग सेक्शन से जब सैंपल निकालोगे तब पूरा का पूरा ये टारगेट पॉपुलेशन आप एग्जामिन कर रहे हो। यानी क्या आप जो सेक्शन है आपके टारगेट पॉपुलेशन के, हर एक सेक्शन में से आप पॉपुलेशन एग्जामिन यानी सैंपल्स निकाल के ये लॉट को एग्जामिन कर रहे हो, तब जाके आपको रिजल्ट सही आएंगे। ये सिर्फ ऊपर के 50 ग्राम एग्जामिन करके डिससैटिस्फैक्शन ही होगा। यानी कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव करना, इसका मतलब पहला क्राइटेरिया तो ये कहता है कि आपका जो सैंपल है वो डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन में से ही निकालना जरूरी है। जैसे नागपुर की हाउसवाइफ का आपको सर्वे करना है इनकी मोबाइल यूसेज हैबिट्स को लेके, और किसी काम से आप अमरावती गए हो एक शादी में और वहां पे महिलाएं ही आपको दिख रही, हाउसवाइफ से हाउसवाइफ बैठी है हॉल में, आप इनका सर्वे करना शुरू कर देते हो, पर ये हमारा सैंपल नहीं है ना, ये हाउसवाइफ है, पर ये नागपुर की हाउसवाइफ थोड़ी ना है, हमको इनका सर्वे करना है। यानी क्या जो टारगेट पॉपुलेशन जियोग्राफिकली डेमोग्राफिकली आपने डिफाइन किया है उनका ही सर्वे में समावेश होना, ये पहला क्राइटेरिया सैंपल रिप्रेजेंटेटिव करने का। और दूसरा तरीका यह है कि जो भी पॉसिबल हेट्रोजिनिटी है वो आप समावेश कर लेंगे। हेट्रोजिनिटी यानी क्या, आपका वन ऑफ द क्राइटेरिया क्या है, एवरेज बिल निकालना है आपको। बिल यानी क्या, इसका एक्सप्रेसिंग यूनिट किसका रहेगा, रुपीज का, रुपीज किससे संबंधित है, तो इनकम से। ऑब्वियसली आपका इनकम क्राइटेरिया यूज करके आपने हाउसवाइफ के 3 कैटेगरीज बनानी चाहिए, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, क्योंकि पुअर महिलाओं के पास मोबाइल होने के चांसेस कम है, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास, बाद में हायर मिडिल क्लास, फिर लोअर अपर क्लास, फिर मिडिल अपर क्लास और अपर अपर क्लास, ये आपके 6 स्ट्रेटा हो गए ना, इन सबसे आपको सैंपल लेना अपेक्षित है, सो दैट आपको जो बिल मिले, जो एवरेज मिले, ये पूरे सबको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी क्या जो भी पॉसिबल डाइवर्सिटी है आपके टारगेट पॉपुलेशन में उसका समावेश करना अपेक्षित होता है। अभी सैंपल रिप्रेजेंटेटिव क्यों करते हैं उसके बारे में 2 मिनट बात कर लेता हूँ। कोई हाउसवाइफ वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखिए टारगेट पॉपुलेशन की संख्या 7 लाख, सैंपल साइज इफ सपोज आपने 300 का लिया, ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन है एन, इसमें से मैंने एक सैंपल लिया 300 का, पहला सैंपल है मेरा 300 का, इनका मैंने सर्वे किया और एक वेरिएबल का ही मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एवरेज बिल जो आया है इन 300 का डेटा आने के बाद वो आया है 219 का। अभी ये सर्वे को मैं रिपीट कर रहा हूँ,
ये स्टडी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये जो 300 महिलाएं हैं, ये 7 लाख में से इनको छोड़ दिया मैंने, और बचे हुए 7 लाख में से मैंने फिर से एक नॉन ओवरलैपिंग सैंपल निकाला जो है फिर से 300 का। तो क्या मुझे ये सेम मीन यहाँ मिलेगा? चांसेस कम है, चांसेस कम है कि ये सेम फिगर यहाँ पे आए। यहाँ पे कुछ तो भी फिगर आएगा एक मीन जो शायद इससे मैच नहीं होगा। मैं फिर से ये सर्वे तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। ये 600 को छोड़ के 7 लाख में जो बचे हैं उसमें से फिर से मैंने एक सैंपल निकाला N3। मेरे पास फिर से ये मीन वन है मेरा, एक्स बार वन, ये एक्स बार टू, ये एक्स बार थ्री। क्या लगता है आपको, ये एक्स बार थ्री क्या इसके साथ मैच होगा या इसके साथ मैच होगा? जरूरी नहीं है ना, ना ही ये फिगर आएगा या ना ही ये फिगर आएगा, यहाँ पे शायद तीसरा ही फिगर आए। और ये जनरली होता है, एक ही सर्वे अगर रिपीट करते हैं तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मैच होते हैं, यानी कुछ ना कुछ तफावत आएगी। अभी बात ये होती है कि वो तफावत का टॉलरेंस कितना होना चाहिए। वो तफावत का टॉलरेंस जनरली सर्वे बेस्ड स्टैटिस्टिक्स में 3% तक अलाउड है। टॉलरेंस ऑफ 3% इज अलाउड, यानी क्या 219 में से ये मीन यहाँ पे दोनों तरफ है प्लस माइनस, एक तो ये 200 या फिर 230 के बीच में कहीं पे तो भी आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि हमने ये जो किया है काम ये सही है, और ये भी 200 और 230 के बीच में आना चाहिए। पर अगर ये 219 पहले इसमें आया है और ये आया 110 और ये आया है 570, अब ये तीनों में से कौन सा मीन हम सही मानेंगे? क्योंकि कोई भी आसपास भी नहीं है, एक 110 है, दूसरा 219 और एकदम तीसरा 570। फिर पहचानेंगे कैसे कि कौन सा स्टडी परफेक्ट है? में ये जानने का एक बेहतरीन तरीका है, आप सैंपल रिप्रेजेंटेटिव कर दो। आपने देखा होगा पीएटी के जितने भी वाइवा होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि आपने सैंपल रिप्रेजेंटेटिव किया है क्या, अगर किया है तो कैसे किया बताइए, क्या मेथड आपने अपनाई है सैंपल रिप्रेजेंटेटिव करने की। ये क्यों पूछा जाता है? ऑब्वियसली सैंपल रिप्रेजेंटेटिव किया है तो ये स्टडी आपका कितनी बार रिपीट करें तो एक सीमित रेंज में ही फिगर्स आते हैं 3% टॉलरेंस के साथ। अगर ये सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो फिर हर बार ये कॉन्टेक्स्ट, ये जो आपके फिगर्स है, आपके रिजल्ट जो है वो हेवायर जाएंगे, इसलिए सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव करना इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। और सैंपल रिप्रेजेंटेटिव करना यानी क्या, जो भी आपका टारगेट पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को या हेटरजीनिटी को हमारे सैंपल में समावेश करना। एक आम आदमी को समझ में आए ये भाषा, जैसे आपने कोई एक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग देखी होगी, एक एक जिसका सिग्निफिकेंस है, कुछ तो भी एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, आपने देखा होगा कि ये जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, उनका एक रेप्लिका बनता है जो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के या वास्तु के एंट्रेंस लॉबी में जनरली कांच में रखा होता है। अभी कांच में जो रखा है वो तो मॉडल हो गया ना, सिमुलेटेड मॉडल है वो, रेप्लिका है पूरी बड़ी बिल्डिंग का। वो कांच में जो रखा है वो और जो बड़ी एक्चुअल बिल्डिंग है वो, ये दोनों एक जैसी दिखनी चाहिए ना। कांच में कुछ और है और असली बिल्डिंग कुछ और है, मजा नहीं आएगा ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि टारगेट पॉपुलेशन यानी बड़ी बिल्डिंग है, वैसी छोटी बिल्डिंग तैयार करनी है, रेप्लिका तैयार करना है ना। तो टारगेट पॉपुलेशन के जो भी आपके डायमेंशंस है वो वैसे के वैसे हम लोगों को सैंपल में उतारने हैं। यानी क्या, हम लोगों को टू द स्केल लेके आना है। टू द स्केल जब आएगी वो बड़ी बिल्डिंग छोटे मॉडल में, तभी तो वो एक जैसी दिखेगी ना। मैं वही बात कर रहा हूँ, सैंपल रिप्रेजेंटेटिव करना यानी टारगेट पॉपुलेशन का स्केल देख लो क्या है, टू द स्केल उसको छोटे स्वरूप में लेके आ जाओ तो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर सैंपलिंग, सैंपलिंग करता है क्यों? तो ऑब्वियसली कारण आपको कुछ ऑब्वियस कारण तो मालूम ही होंगे कि डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन है जो लाख या करोड़ में होता है, कुछ हजार में भी हो सकते हैं, और ये हमारा सैंपल है जो छोटा है। आप देख रहे हो कि ये बड़ा टारगेट पॉपुलेशन है, इसमें से मैंने ये सैंपल्स का सिलेक्शन किया है कुछ साइंटिफिक मेथड्स फॉलो करके जो ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। अभी डेटा कलेक्ट करते वक्त तो मैं सिर्फ इनका कर रहा हूँ ना, डेटा कलेक्ट करते वक्त तो मैं सिर्फ इनका कर रहा हूँ। ये 7 लाख है और ये है 300। डेटा का क्या कलेक्ट किया है? इसका डेटा कलेक्ट करने के बाद इसका मीन आया है
और रिजल्ट जब आप लिखते हो आपके रिसर्च डॉक्यूमेंट में, तो आप ऐसा लिखते हो क्या कि मैंने जो सैंपल निकाला था उसको एनालिसिस करने के बाद उसका मीन इतना आया है 219 रुपये? ऐसा थोड़ी ना बोलते हम लोग कि मैंने जो सैंपल कलेक्ट किए थे उसका मीन। हम लोग बोलते हैं कि टारगेट पॉपुलेशन का मीन, यानी रिपोर्टिंग क्या होगी, नागपुर में हाउस वाइफ के मंथली मोबाइल बिल 219 रुपये आते हैं। ये थोड़ी ना बोलते कि मैंने जो 300 स्टडी किए हैं उनका मंथली मोबाइल बिल 219 आया, ऐसा रिपोर्टिंग थोड़ी ना होता है। हम क्या करते हैं, सैंपल का डेटा कलेक्ट करके सैंपल का मीन निकाल के ये मीन जो आया है वो बोलते हैं कि हम यही मीन टारगेट पॉपुलेशन का है। इसको कहते हैं एक्सट्रापोलेशन या फिर जनरलाइजेशन। और ये एक्चुअली हम लोग सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड प्रोजेक्ट करते वक्त भी जब सैम्पलिंग कर रहे हैं तो सैंपल का डेटा यूज करके रिजल्ट डिराइव करके वो रिजल्ट को टारगेट पॉपुलेशन पे जनरलाइज करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस डिराइव करना। सैंपल में ऐसा है इसलिए टारगेट पॉपुलेशन में भी ऐसा ही है, ये बताने की प्रोसेस को स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स की दो बास्केट्स होती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हम कहते हैं ना वो दो सेंस में होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी क्या, सैंपल का डेटा यूज करके आपने जो मीन मेडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ये सब जो स्क्यूनेस कर्टसीज ये सब जो फिगर्स निकाले हैं इनको कहते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स। इसमें 16 मेजर्स आते हैं समरी स्टैट। और जैसे एक बार जो आपको बहुत ही कॉमन मालूम है मीन सैंपल का मीन, ये यूज करके यहाँ पे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यानी क्या, ये बात हो रही है पॉपुलेशन की, ये बात क्या हो रही है सैंपल की। सैंपल का डेटा यूज करके आपने ये कंप्यूटेशन किया हुआ ये सब, और ये यूज करके आप पॉपुलेशन के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हो या एस्टिमेशन कर रहे हो। प्रेडिक्शन से बेटर वर्ड है एस्टिमेशन। कि सैंपल का मीन यूज करके आप पॉपुलेशन का मीन निकाल रहे हो, इसको कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इसी चीज को आपकी भाषा में हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। इसमें दो चीजें आती है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग और दूसरा होता है एस्टिमेशन ऑफ सीआई कॉन्फिडेंस इंटरवल। और एस्टिमेशन ऑफ सीआई में क्या करते हैं, सैंपल का मीन यूज करके पॉपुलेशन का मीन कौन से दो वैल्यू के बीच में है, ये इसको अपर बाउंड लिमिट कहते हैं, सॉरी लोअर बाउंड, और ये अपर बाउंड, या इसको एलसीएल और यूसीएल कहते हैं, लोअर क्रिटिकल लिमिट अपर क्रिटिकल लिमिट। ये कंप्यूटेशन करना है इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस डिराइव करना है। और सैंपलिंग की जरूरत क्यों है, सैंपलिंग की जरूरत है कि सैंपल का डेटा यूज करके पॉपुलेशन के बारे में पिक्चर क्लियर करने का जो तो काम है जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, उसके लिए लगता है हमको सैंपलिंग। और स्टैटिस्टिक्स में यही जरूरत है सैंपल की। और आपको भी मालूम है कि मोस्ट ऑफ द सर्वे प्रोजेक्ट में सेंसस सर्वे नहीं किया जाता है, सैंपल सर्वे करते हैं। और सैंपल का डेटा यूज करके हम ये जो कंप्यूटेशन करते हैं इसी को तो स्टैटिस्टिक कहा जाता है। ये सब जो बोल रहे हैं ना आप, सैंपल का मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, इसको एक कलेक्टिव टर्म है जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिक। और आप बोलते हो ना मुझे स्टैटिस्टिक से डर लगता है, एक्चुअली आप इनकी बात कर रहे हो कैडिंग मी। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी क्या, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी ये फिगर कंप्यूट करना और ये फिगर यूज करके इसके बारे में कमेंट करना जिसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं आपकी भाषा में। और इन सब प्रोसेस को ही हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था सैम्पलिंग जो है ये फाउंडेशन प्रोवाइड करता है इन्फ्रेंस स्टडी। सर एक डाउट है हाँ सर आशीष पूछिए ना। सर, हाँ सर पूछिए ना। जैसे आपने अभी बताया सैंपलिंग का और पॉपुलेशन का, तो अभी इसमें जैसे आपने बोला 7 लाख वुमेन है, तो उसमें हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन लेके फिर उसका हमने बता दिया कि सैंपलिंग करके ये लो, बट सर इसमें हम लोग ये कैसे समझ पाएंगे? आप हो सकता है कि उसमें कई लोग है, कोई भी एग्जांपल लीजिए, तो वो दोनों में सिंक्रनाइज कैसे होगा फ्रॉम द सैंपल साइज एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ यूजर्स? विल देयर बी एनी डिफरेंस? बस तो वो कैसे हम लोग समझ नहीं, मुझे पाएंगे? क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया। सिंक्रोनाइजेशन यानी क्या बोल मतलब जैसे सोचिए 7 लाख वुमेन है फॉर एग्जांपल, तो रहे? अभी हमें पता करना है कि उसमें से कितने लोग जैसे सोचिए सेलफोन यूज कर रहे हैं या जियो यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमने सैम्पलिंग कर ली, तो
तो सैंपलिंग के थ्रू क्या सैंपलिंग का डेटा जो हमने निकाले आउट ऑफ 7 जस्टिफाई करेगा पॉपुलेशन? ठीक है, मैं वो बात कर ही रहा हूँ एक्चुअली. हाँ, अभी समझ में आया मुझे. आप ये बात कर रहे हो कि इसको सैंपल साइज डिटरमिनेशन कहता है ना, कि 7 लाख तो है, 7 लाख में से आप कितने लोगों का सर्वे करें तो तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारे रिजल्ट प्रिसाइज आए हैं. ये जो आपने मीन निकाला है, ये मीन 7 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये कैसे पता चलेगा और कितने लोगों का सर्वे करना चाहिए, ये मैं बात कर ही रहा हूँ. इसको सैंपल साइज डिटरमिनेशन कहते हैं. ये पार्ट कम्प्लीट करने के बाद मैं उसमें आ रहा हूँ. तो मैं बात कर रहा था सैंपल्स सैंपलिंग करते हैं क्यों नीड ऑफ सैंपलिंग. तो ये मैंने टेक्निकली तो बता दिया आपको, इंफरेंस स्टैटिस्टिक्स का बेस है सैंपलिंग, जिसके लिए हम सैंपलिंग करते हैं. और 3 ऑब्वियस कारण कि सैंपलिंग करने के एडवांटेजेस ये है कि पैसा कम खर्च होता है, टाइम कम खर्च होता है, और बहुत बार एक्यूरेट रिजल्ट आ जाते हैं जब आप पूरे साइंटिफिक जो प्रोसीजर्स है रिसर्च करते वक्त फॉलो करते हो तो रिजल्ट आ जाते हैं. और ये मैंने देखा भी हाल ही में. मैंने सारे एग्जाम्पल्स है ना, देखिए इंडिया में जब कभी भी इलेक्शंस लाइंड अप होते हैं, मैं जैसे यूनियन इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल इलेक्शंस 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे, ये सब मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ क्योंकि पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका लगता है. 2019 में इलेक्शन हुए थे सेंट्रल के, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब दोनों इलेक्शन में चुन के आए थे पार्ट अपार्ट. अभी जब भी इलेक्शंस लाइंड अप होते हैं ना, आपको भी मालूम है कि माहौल तैयार होना शुरू हो जाता है अपने यहाँ. और माहौल ऐसा तैयार होता है कि ये ओपिनियन पॉल वगैरह आना शुरू हो जाता है इलेक्शन के एक महीना पहले. ये सब ओपिनियन पॉल के रिजल्ट की लगता है इस इलेक्शन में ये पार्टी चुन के आएगी, इतनी सीट्स मिलेगी, जिसको हम एग्जिट पॉल कहते हैं. ओके, अभी 2014 और 2019 ये दोनों मैंने क्लोजली फॉलो किए. इवन 2009 भी मैंने फॉलो किया था, जिसमें यूपीआई की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी पार्ट अपार्ट. अभी हुआ क्या, 2009 में जो एग्जिट पॉल के सर्वे हुए थे उसमें एक्चुअल जो रिजल्ट्स आए थे वो कॉन्ट्रास्ट में थे. यानी उधर कुछ और दिख रहा था, इंडिया दिख रही थी एग्जिट पॉल में, और आया एक्चुअली यूपीआई पार्ट अपार्ट. 2014 में जितने भी एग्जिट पॉल थे उन सब में दिख रहा था एग्जिट पॉल में कि बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, या इन जनरल अलायंस जो है एनडीए वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ऐसा दिख रहा था क्योंकि माहौल उस तरीके से बन चुका था. एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं कि मार्केटिंग वगैरह क्या हुआ था, पर जो मुझे याद है एग्जिट पॉल के सर्वे वो. और 2019 में भी वही प्रिसाइसली मैं इसकी बात कर रहा हूँ. आप जो मुरली सर बात कर रहे थे वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे. अभी जहाँ तक मेरे पास डेटा भी है वो, और मेरे जो पूरे सैम्पलिंग एक ऐसा विषय है मेरा कि लगभग मैं पूरा दिन बात करता हूँ, पूरे 6 घंटे, 1.5 घंटे के 4 से, उसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ. पर अभी फिलहाल 2014 के जो एग्जिट पॉल के हैं मेरे पास वो रिसर्च, उसमें बहुत सारी एजेंसीज थी. आपको मालूम है कि सी वोटर और हर एक न्यूज़ एजेंसी ये सब करती है. उसमें मुझे ग्लेयरिंगली याद है News24 नाम से जो चैनल है, इन्होंने जो प्रेडिक्शंस किए थे, जहाँ तक मुझे वेग याद है, यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी, पर धुंधला धुंधला जो मुझे याद आ रहा है, इन्होंने एनडीए के लिए 333 सीट्स ऐसा कुछ प्रेडिक्शन किया था, और रियलिटी में कुछ 339 सीट्स ऐसा कुछ मुझे धुंधला याद है, सिर्फ 6 सीट का डिफरेंस. इतने क्लोज रिजल्ट्स इन्होंने दिए थे. और फिर इसके ऊपर कुछ मुझे याद है इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा था कि इनको ये पूछा गया था, तो जवाब आया था कि इस बार हमने जो सैम्पलिंग वगैरह किया था वो बहुत ही साइंटिफिक मेथड्स फॉलो करके किया था, और सैंपल साइज आपको सुन के ताज्जुब होगा, हमारे यहाँ इंडिया में उस वक्त जो 2014 में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कुछ आ रहा था, वो आंकड़ा 60 से 70 करोड़ कुछ आंकड़ा था. अभी बात यही हो रही है ना कि इतने क्लोज रिजल्ट, आप जो मुरली सर पूछ रहे थे मुझे कि इतने क्लोज रिजल्ट्स आने के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 60 से 70 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए सैंपल साइज कितना होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने जो किया था 27,800 का सैंपल था सर. इतनी बड़ी टारगेट पॉपुलेशन के लिए आप अगर इसको कन्वर्ट करते परसेंटेज में, ये 1% से भी नीचे आता है सर. ये 60,000 तो 1% आ रहा है इसका, उससे भी कम, लगभग 0.5%. आप देख रहे हो तो रिजल्ट तो प्रिसाइज आए हैं. यानी क्या आप मेथड क्या फॉलो कर रहे हो, ये तो एक इम्पोर्टेंट चीज है ही. सैंपल साइज कितना होना चाहिए, उसके साथ साथ सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना ये ज्यादा जरूरी समझता हूँ मैं, रिजल्ट अगर प्रिसाइज चाहिए तो. चलिए आगे बढ़ते हैं. दो प्रिंसिपल्स है सैंपलिंग के, क्विकली मैं बता देता हूँ. एक है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी,
समझाने के लिए दोनों प्रिंसिपल मुझे कम से कम आधा घंटा लगता है, पर मैं थोड़ा सा क्विकली रैप अप कर देता हूँ ये, क्योंकि बहुत प्रिसाइजली मेंशन भी नहीं है इसका सिलेबस में आपके। दो प्रिंसिपल मैं वही बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल फॉलो करिए स्टैटिस्टिक्स के तो आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। और ये दो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी क्या, ये रूल है सैम्पलिंग को लेके। पहला रूल जो है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का, ये क्या कहता है, आपका सैंपल साइज जो आप मुरली सर पूछ रहे थे कितना बड़ा होना चाहिए, मॉडरेटली लार्ज होना चाहिए। अभी मॉडरेटली लार्ज यानी क्या समझा रहा हूँ मैं। उसके बाद सैंपलिंग का सिलेक्शन अगर आप रैंडम तरीके से करते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। आप जो पूछ रहे थे रिजल्ट प्रिसाइज आने के लिए क्या करना चाहिए, मॉडरेट का मतलब है ना ही बहुत छोटा ना ही बहुत बड़ा। अब ये आंकड़ा कैसे होना चाहिए, तो ये टारगेट पॉपुलेशन कितनी है उसके ऊपर भी बहुत बार डिपेंड करता है। मैं समझा रहा हूँ अभी सैंपल साइज डिटरमिनेशन करते हुए। और दूसरा, सैंपल का सिलेक्शन अनबायस्ड अगर है तो रिजल्ट आ जाता है, ये पहला रूल कहता है। दूसरा रूल ये कहता है कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाओगे आपको रिजल्ट क्लियर मिलते जाएंगे। सैंपल जैसे जैसे बढ़ाओगे आप, वैसे वैसे आप रियलिटी के क्लोज पहुंचते हो, ये दूसरा प्रिंसिपल है। यानी क्या, वो छोटे सैंपल साइज पे आप ऑपरेट कर रहे हो, 7 लाख के लिए आप 200 का सर्वे कर रहे हो तो रिजल्ट गलत ही आएंगे ना। आप 200 से 400 करो, 400 से आप 800 करो, 1000 करो, 2000 करो, जितना बढ़ाते जाओगे उतने रिजल्ट प्रिसाइज आपसे जाएंगे। और जनरली मेरे पास जो कोई भी आता है ना, मैं बोलता हूँ यार जिंदगी में पहला सर्वे कर रहे हो 200 के सैंपल साइज पे करोगे किस लिए, तो सर इतने ज्यादा फोन घूमेंगा, टाइम बहुत जाएगा, पैसा जाए, फिर मत करो यार रिसर्च। गेटिंग मी, ये एक्सक्यूजेस नहीं हो सकता है रिसर्च में। मुझे लगता है साइंस शुड कम फर्स्ट। आप कर रहे हो तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो उसका यूटिलिटी तो कुछ होना चाहिए ना, कि ऐसी फॉर्मेलिटी करके कुछ तो भी कर रहे हैं या कागज तैयार कर रहे हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो साइंस फॉलो करना चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि अगर आप पहली बार रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो 1000 से नीचे ऑपरेट मत करो। मैं तो बता रहा हूँ सैंपल साइज कैलकुलेट कैसे करते हैं, पर 1000 से नीचे अगर सैंपल आपका टारगेट पॉपुलेशन का साइज लाख में वगैरह है ना, तो लाख या बहुत बार तो करोड़ में भी होता है, 200-300 से क्या रिजल्ट आएंगे। और आप भी तो नोवाइस है ना, ये सब आपका क्वेश्चनियर ठीक से नहीं बन पाया है, आपको ये भी मालूम नहीं कि 200 में सही में ये आंकड़ा कहाँ से आया है, क्या मेथड्स आपने यूज किए, उस पर भी सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब टेक्निकलिटीज नहीं मालूम। तो मैं बोल रहा हूँ सैंपल साइज बढ़ा दीजिए, बाकी टेक्निकलिटीज नहीं मालूम आपको, साइंस नहीं समझता, स्टैटिस्टिक्स नहीं समझता आपको, तो भी चल जाता। सैंपल साइज बड़ा हो गया तो एरर कम हो जाती है अपने आप, क्योंकि जब बढ़ाओगे सैंपल साइज तो वो जो डाइवर्सिटी में बोल रहा हूँ ना वो आना शुरू हो जाता है। आप सिर्फ नागपुर में नहीं करोगे, नागपुर के आजू बाजू के एरिया भी कवर करना शुरू कर दोगे। 200 का सैंपल साइज है तो क्या हर गाँव से आप 10-10 के सैंपल लोगे, तो गांव की पॉपुलेशन ही आपकी यार 30-40 हज़ार की, उसमें से 10 ले रहे, क्या रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए सैंपल साइज बड़ा रहा तो रिजल्ट मिल जाते हैं। वो बड़ा यानी कितना हो मैं बता रहा हूँ आपको। सैंपल डिजाइन की बात कर लेते हैं। देखिए सैंपल डिजाइन जो मैं बता रहा था कि आपको इसमें लिखना होता है थीसिस में, चैप्टर नंबर 3 में या 4 में, उसमें एक 4 से 5 चीजें हम लोगों ने मेंशन करनी चाहिए। पहला है आपका टारगेट पॉपुलेशन की डिटेल्स, ये टारगेट पॉपुलेशन में क्या लिखेंगे आप, ऑब्वियसली आप किसका सर्वे कर रहे हैं इन ब्रॉड सेंस में। उसमें पॉपुलेशन की डिटेल्स है क्या आपके पास, यानी कैपिटल एन का साइज है क्या, यानी फाइनाइट है इनफाइनाइट है ये मेंशन। उसके बाद अगर फाइनाइट है तो दूसरा मेंशन ये हो जाता है कि आपका सैम्पलिंग फ्रेम आपने यूज किया है क्या, सैम्पलिंग फ्रेम ये पब्लिश फॉर्म में थी क्या, पब्लिश थी या अनपब्लिश थी, या आपने खुद कंपाइल किया है, ये सब प्रोसीजर्स आपने फॉलो की है। इसके साथ साथ इससे ऊपर भी एक मैं चाहता हूँ कि ये भी आप मेंशन करें कि कौन से ज्योग्राफिक एरिया में आप सर्वे कर रहे हो। तो टारगेट पॉपुलेशन में भी आप इसको इन्फ्यूज कर सकते हो कि टारगेट पॉपुलेशन में किसका सर्वे कर रहे हो, कौन से ज्योग्राफिक पॉकेट आप कवर कर रहे हो, वगैरह वगैरह। उसके साथ और एक चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो है सैंपल यूनिट। सैंपल यूनिट यानी क्या मैं समझा रहा हूँ अभी, उसके डिटेल्स। उसके बाद आता है आपका सैंपल साइज, जिसको स्मॉल एन कहते हैं हम लोग, आपने कितने लोगों का सर्वे किया है, और ये जो फिगर आप 300-400 जो भी बोल रहे हैं, ये मेथड्स क्या फॉलो किए, ये आया कैसे, यानी रैशनल जस्टिफिकेशन क्या है आपका। और उसके बाद फिर सैम्पलिंग की मेथड आपने क्या अडॉप्ट की, ये 5 से 6 हेड्स हम सैंपल डिजाइन में लिख सकते हैं। ये मैं क्विकली समझा देता हूँ सैंपल यूनिट यानी क्या, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ सैंपल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए मैं एक रियल लाइफ एक प्रोजेक्ट की बात बता रहा हूँ, अभी इतनी सारी कंसल्टेंसीज की है तो अभी जो मुझे स्ट्राइक हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक लेडी रिसर्च स्कॉलर है, उसका उसका टॉपिक कुछ ऐसा था कि सीबीएसई की जो स्कूल्स है, सीबीएसई के स्कूल्स में सर्वे करना है, और इनके जो टीचर्स है सीबीएसई स्कूल्स में जो टीचर्स है उनका स्टडी करना है। वेरिएबल एक जो मुझे याद है अभी, वर्क लाइफ बैलेंस निकालना था।
और ये स्टडी का एरिया जो है ये कहाँ करना है, तो ये सीबीएसई है, तो इसके सेंस में डिवीजन ये वर्ड यूज किया जाता है, नागपुर डिवीजन में ये करना है। ये सफिशियंट डिटेल्स आ गए कि स्टडी का नेचर क्या है। अभी इसको लेके मुझे सैम्पलिंग करना है। ओके, तो यहाँ पे सैम्पलिंग की मेथड क्या रहेगी? हर घर में थोड़ी ना जाकर पूछेंगे कि तुम्हारे घर में ऐसा कोई है क्या कि जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ाता है, ये तो मेथड ही गलत हो गई। इसके लिए हमको करना क्या होगा, हम लोगों को सीबीएसई के स्कूल्स देखने होंगे। कहाँ? नागपुर डिवीजन में। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, नागपुर डिवीजन में सीबीएसई की 110 स्कूल्स है, पूरी ब्रांचेस मिला के। यानी कि आपको कैपिटल एन मिल गया। अभी ये 110 स्कूल्स है और ये नागपुर डिवीजन बोल रहे हैं, तो इसकी लिस्ट भी तैयार है, कौन से स्कूल है। अगर नहीं है तो ये तैयार कर सकते लिस्ट। यानी क्या, सैम्पलिंग फ्रेम भी आ गई आपकी। अभी बात हो रही है इसमें सैम्पलिंग यूनिट, यानी क्या सैम्पलिंग यूनिट का मतलब है डिटेल्स ऑफ योर सैंपल्स। अभी आप ये सर्वे कहाँ कर रहे हो, यानी क्या ज्योग्राफिक एरिया क्या है आपका? ज्योग्राफिक एरिया है नागपुर डिवीजन, और जहां तक मेरा नॉलेज है नागपुर डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट्स कंसीडर की जाती है। मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं अगर मेरा नॉलेज अपडेटेड नहीं है तो जिसमें गोंदिया तक ये जाता है, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, अमरावती और शायद वर्धा है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स आती है नागपुर डिवीजन में। तो ऑब्वियसली आप सैम्पलिंग यूनिट में क्या लिखेंगे, आप ये 5 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में विजिट करने वाले हैं। ये हो गए आपके 5 सैम्पलिंग यूनिट्स। उसके साथ साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे नागपुर डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर रहे हैं, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 14 तालुका प्लेसेस आते हैं जहां तक मेरा नॉलेज है। तो आप ये भी तो चेक करेंगे कि ये 110 में से नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 14 तालुका प्लेसेस में कितनी और कौन सी स्कूल्स हैं, उसको अलग से निकाल लेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। गॉट इट? अभी ये जो 110 स्कूल्स हैं, हर एक स्कूल कैन बी कंसिडर्ड एज योर सैंपल यूनिट। यानी क्या, स्कूल के सेंस में आपके सैंपलिंग यूनिट्स कितने हो गए, 110। गॉट इट? यानी क्या, आप ये सर्वे कहाँ करने वाले हैं, वेयर? वेयर का मतलब क्या, एक तो ज्योग्राफिक एरिया और दूसरा ये सर्वे कहाँ एग्जीक्यूट करने वाले, जिसको कहते हैं हम फिजिकल यूनिट्स। यानी क्या, स्कूल्स। आप अगर पेशेंट का सर्वे कर रहे हो तो हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाएंगे, तो वो आपका सैंपल यूनिट हो जाएगा। आप अगर कॉलेज स्टूडेंट्स का सर्वे कर रहे हैं तो कॉलेजेस आपके सैंपल, जैसे यूथ की ईटिंग हैबिट्स, तो आप इफ सपोज जंक फूड ईटिंग हैबिट्स पे सर्वे कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली जंक फूड जहाँ बेचा जाता है ऐसे रेस्टोरेंट में विजिट करेंगे, जैसे डोमिनोज के जो 7 या 8 आउटलेट्स हैं नागपुर में, वही आपके सैंपल यूनिट हो जाएंगे। यानी ये सर्वे आप कहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसको हम सैंपल यूनिट कहते हैं। उसके बाद ये डिफाइन करने के बाद आपने स्कूल में तो आइडेंटिफाई कर लिया कि सपोज नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 7 स्कूल्स हैं, आपके पास नाम है। अभी आपको एक एक स्कूल में विजिट करना है सपोज, तो स्कूल जो है ये तो आपका नॉन लिविंग थिंग है, ये स्कूल में आप सर्वे करने वाले, पर स्कूल थोड़ी ना डेटा देगी। यहाँ पे जो टीचर्स है वो आपको डेटा देगी, और टीचर यानी कौन, ये भी है कि किसका सर्वे कर रहे हैं, हु इज टू बी सर्वेड। इसको हम कहते हैं रेस्पॉन्डेंट। सैंपल यूनिट और रेस्पॉन्डेंट में फर्क क्या है, रेस्पॉन्डेंट इज अगेन वन ऑफ द पार्ट ऑफ सैंपल यूनिट, पर रेस्पॉन्डेंट इज अ लिविंग थिंग जो हम लोगों को एक्चुअल डेटा शेयर करेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्डेंट। और जहां हम सर्वे करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उनको हम सैंपल यूनिट कहते हैं। तो वो सैंपलिंग यूनिट के डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। तो प्रीति मैडम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, अभी तक जो मैंने पढ़ा है, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हैं आप, और एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे फिर। प्रीति यस मैडम, सर, यस 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 सर। सर 5 कुछ मिनट्स का क्वेश्चंस ब्रेक हैं? घ्यायचं? बहुत सारे यस ओके।